देखिए, जब रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार होता है ना, तो खुशी तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंताएं भी होती हैं कि अब यहाँ से आगे क्या होगा। दो चीज़ें चल रही हैं बाजार में, लिक्विडिटी का सपोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को लेकर चिंता है। आपके हिसाब से क्या बाजार यहाँ से चलता रहेगा लिक्विडिटी के दम पर, या फिर प्रॉफिट टेकिंग आएगी, और जिनको प्रॉफिट टेकिंग प्रॉफिट हो रहा हो, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूलने में समझदारी है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो ऐसे कहते हैं, पुराने जमाने से कहते हैं कि जो मुनाफा होता है वो चोर होता है। तो जिसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट, अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो सबका बना है उसमें थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट निकाल कर सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। और ये एक्चुअली जो आपने प्रश्न पूछा है ये बहुत ही रेलिवेंट प्रश्न है, क्योंकि अगर आप देखें तो 2019 2020 तक, 2018 2019 तक एक 3 करोड़ डीमैट अकाउंट थे इंडिया में। अभी आप देखें तो वो नंबर जो है वो 12 से 15 करोड़ के बीच में रिपोर्ट किया जा रहा है। तो इसका ये कंक्लूजन है कि पिछले 5 साल में 10 करोड़ से अधिक निवेशक जो न्यू डीमैट अकाउंट खोल के मार्केट में आए हैं, ये सब न्यू इन्वेस्टर्स हैं, ये नए निवेशक हैं। तो आई थिंक ये जो पॉपुलेशन है, और ये बहुत ही मेजोरिटी पॉपुलेशन है, इन्होंने मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी कभी देखी ही नहीं है। और ये जो भी मार्केट में आए हैं, और इनकी इनकी एज ग्रुप भी अगर आप देखें तो ये 25 से 35 ईयर्स के बीच की पॉपुलेशन है। आई थिंक इन्होंने कभी ज्यादा मंदी देखी नहीं है, इन्होंने कभी बहुत बड़ा सेटबैक करेक्शन मार्केट में देखा नहीं है। इन्होंने जब मार्केट में पैसा लगाया है, पैसा बना है, तो उनको ये एहसास हुआ है कि, और पिछले बुल मार्केट में बहुत पहले जब हम भी मार्केट में उतरे थे, एंटर किया था, तो हमारा भी यही एक्सपीरियंस रहा था। तो आई थिंक प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी है, इससे आपका एक जो मनोबल है वो बना रहेगा, एक आपका जो मार्केट में पार्टिसिपेशन है वो बना रहेगा। तो मैं कंप्लीटली आपकी बात से सहमत हूँ। प्रॉफिट तो प्लीज थोड़ा थोड़ा अपना ले लीजिए। ठीक है, तो प्रॉफिट लेना अभी काफ़ी ज़रूरी है, और उसकी भी हैबिट डालनी चाहिए कि जी हाँ, रैली तो एक तरफा ही रही है, ना ही सिर्फ इन्वेस्टिंग बल्कि एफएनओ में भी काफ़ी उनका ट्रैक्शन है।